हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर में कुछ निविका करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर के कॉम्बिनेशन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। उस पर बेस्ड एक निविकल है, जैसे ये करंट कैरिंग वायर है ए बी, इसमें करंट आई वन फ्लो रही है, आई फ्लो रही है, इसकी पास एक सर्कुलर कॉइल रखी है और इसमें करंट आई फ्लो रही है। हमको फाइंड करना ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर फाइंड करना है। तो इसके लिए टच नहीं हो रही है, थोड़ा सा गैप है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बी वन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ये होता है म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर। इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा, राइट हैंड साइड से यहाँ अंदर इसमें बाहर, तो आउटवर्ड होगा। इसलिए सर्कुलर वायर में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा म्यू जीरो आई अपॉन टू आर, और इसका डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होता है, तो आउटवर्ड होगा। फाइनली नेट फील्ड वी वन प्लस वी टू होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर प्लस म्यू जीरो आई अपॉन टू आर। तो नेट फील्ड हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर वन प्लस पाई। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, उसमें करंट इस तरह से फ्लो रही है, यूं सर्कुलर है, गैप बहुत ही छोटा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा। अब करंट ऐसे आ रही है, इसमें करंट फ्लो रही है और ये डिस्टेंस आर है, तो ए बी सेक्शन मान लें वायर का, इसकी वजह से ओ पॉइंट जो फील्ड होगा बी वन बिल्कुल उसी की तरह से आउटवर्ड होगा, यहाँ अंदर यहाँ पा, तो म्यू जीरो आई अपन टू पाई आर लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब सर्कुलर वायर में क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो क्लॉकवाइज में इनवर्ट होती है, तो बी टू कितना होगा इनवर्ट म्यू जीरो आई अपन टू आर इनवर्ट। अब इसमें ग्रेटर कौन सा है, जिसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है वो लेस होता है, ये ग्रेटर होगा, तो नेट फील्ड हो जाएगा बी टू माइनस बी वन म्यू जीरो आई अपन टू आर म्यू जीरो आई अपन टू पाई आर। ठीक, आए अपन टू पाई आर करना है पाई माइनस, और डायरेक्शन ऐसा लेकर आपको ये दोनों केस नोट कर लो, आपके रिजल्ट याद कर लेना। एक और प्रॉब्लम दिया है कि जैसे सर्कुलर वायर है उसका एक पार्ट स्ट्रेट वे में जा रहा और दूसरा इस तरह से करंट फ्लो रही है, हमको ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कॉम्बिनेशन का। तो इसमें स्ट्रेट वायर वाला पार्ट जो है पहला पार्ट, इसको दूसरा इसको थर्ड बोल देते हैं, तो बी वन होगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर की एक एंड में जब हम फील्ड निकालते हैं जस्ट लाइक इन्फाइनाइट से यहाँ निकालोगे बाहर क्यों रहेगा फील्ड, तो बी वन इस तरह से बाहर क्यों रहेगा यहाँ पे ओ पॉइंट में,
वी जीरो आई अपॉन 4πr होता है। दूसरा हाफ सर्किल है, तो हाफ सर्किल का मैग्नीट्यूड होता है वी जीरो आई अपॉन 4πr, और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होता है। थर्ड, स्ट्रेट वायर अगर है, करंट ऐसी फ्लो रही है, तो ओ पॉइंट में फील्ड जीरो होता है, तीसरा लेंस का फील्ड जीरो होगा। कभी कोई वायर है उसकी अलॉन्ग लेंथ के अलॉन्ग यहां पर और यहां पर फील्ड जीरो होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को लगा के अपन ने ये रिजल्ट लाए। अब तीनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, वी वन वी टू वी थ्री, वी जीरो आई, क्योंकि डायरेक्शन सबका सेम है, तो वी जीरो आई फॉन 4πr 1+5 डायरेक्शन आउटवर्ड। इसका सेम बिल्कुल सेम रिजल्ट इसका भी आएगा। क्योंकि इसका वी वन जैसे सर्कल का वी टू जैसे और इसका करंट अगर ऐसे आ रही तो यहाँ पर भी नहीं होता फील्ड, कोई वायर की अलॉन्ग में बैक में और फॉरवर्ड में जीरो होता फील्ड, तो इसका इसका रिजल्ट सेम है। ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, राइट, ये दोनों केस नोट कर लो। एक और फिगर है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ से करंट ऐसे आके ऐसे आ जाएगी, हमको यहाँ पर फील्ड निकालना होता है, तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेट फील्ड उसकी एक एंड में ये होता है म्यू जीरो आई अपॉन 4πr, और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, बताओ आउटवर्ड। सर्कुलर पार्ट का फील्ड कितना होगा, वी टू वाले हिस्से का वो भी आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड होता है। तीसरा केस इसका, इसका भी यहाँ अंदर यहाँ बाहर, इसका यहाँ अंदर इस साइड बाहर, ऐसी है ना, ऐसे यहाँ अंदर यहाँ बाहर, तो बीस हो जाएगा बीस जाएगा 4πr, तीनों रिजल्ट बाहर की ओर हैं तो जोड़ दो, तो b आ जाएगा वी वन वी टू वी थ्री, तो b होगा वी जीरो आई 4πr, वी जीरो आई अपन 4πr, फॉर्म ले लो, तो 1+5+1 मीन्स वी जीरो आई अपॉन 4πr 2+5, ये रिजल्ट याद कर लेना, नोट कर, ठीक है, ये सारे रिजल्ट